और इस तरह से हम ये सब्ज़ी बिल्कुल मज़ेदार सी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आज क्या पकाए में। हमने बहुत ही मज़ेदार सा आलू टमाटर और मटर का सालन बनाया है। एक कढ़ाई में हमने पानी शामिल किया, उसको बॉईल आने दिया और इसमें कट लगा के टमाटर शामिल कर दिए। इस तरह से ये कट लगने से हमारे छिलके उतर जाएंगे। हम आधा कप हमने ऑयल डाला है। ऑयल गरम करने के बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट हमने बनाया है। दो अदद प्याज थी, एक छोटी थी एक दरमियानी साइज़ की थी। इसके साथ ही हम एक खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया और ऑयल भी ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे हमने इस तरह से आलू काटे कीमा आलू स्टाइल में और हम ये आलू शामिल कर देंगे इसमें। आजकल सीजन में बड़े अच्छे आलू आ रहे हैं, ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते और जायके में भी नमकीन है, मज़ेदार। ये दो तीन मिनट हम आलू को फ्राई करेंगे, इससे आलू का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे। एक चम्मच हम भर के नमक शामिल करेंगे, ये अपने जायके के मुताबिक। 1 टीस्पून हम भर के इसमें किसी भी लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून से कम इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें सालन का कलर जो है वो रेड दिखाना। अब इसमें हमारा मसाला भी भुन जाएगा और आलू भी फ्राई हो जाएंगे। और मटर शामिल कर देंगे। आलू भी अच्छे से फ्राई हुए हैं, बहुत अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें मटर शामिल कर दिए और इसको 5 मिनट ढक के पकाएंगे। ये 1 टीस्पून साबुत धनिया डाल सकते हैं, जो इसको मैंने रोस्ट किया, और ज़ीरा भी साथ में 1 टीस्पून रोस्ट किया है, इसको हम डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा दरदरा कूट के डालेंगे, ताकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आए और इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है इस तरह से डालने से। टमाटर का पेस्ट इस तरह से हमने पका भी लिया है और इसका और पानी ड्राई करेंगे और इसको फिर सालन में मिक्स कर देंगे। इससे हमारा कुकिंग टाइम भी कम हो गया और हमारे टमाटर की जो ग्रेवी बनेगी वो भी बहुत स्मूथ सी बनेगी। मटर भी हमारे अच्छे प्रॉपर से गल गए हैं, आलू गल चुके हैं और बहुत ही अच्छी जायकेदार खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है सालन का, गोल्डन गोल्डन। अब इस स्टेज पे हम इसमें कि जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया है इसको हमने पका लिया है और ये शामिल कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक हम मज़ीद पकाएंगे। और ये हमने कुछ हरी मिर्च काट के रखी है, थोड़ी सी जायके के लिए शामिल करेंगे। एक खाने का चम्मच हम ज़ीरा और धनिया का पाउडर डालेंगे इसमें, जो हमने रोस्ट किया था। 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और दम वाली कंडीशन पे रख देंगे। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी जूलियन अदरक से। हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे और ये कटी हुई हरी मिर्च इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। और इस तरह से हम ये सब्ज़ी बिल्कुल मज़ेदार सी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये सब्ज़ी बहुत ही कम बजट में तैयार हुई है और जायकेदार भी बहुत है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।